अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो फ्रॉम अल अकबर गोट फार्म। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत टॉप क्लास के सम ऑफ द बिगेस्ट फैट टेल शीप दिखाने वाले हम लोग। लाइक इट विल बी अनबिलीवेबल कि ये साइज़ में हैं ये दुम्बे, 100 किलो के ऊपर के दुम्बे, काफ़ी अच्छी नस्लों में दुम्बे, वो आज हम आपको दिखाएंगे। अस्सलामु अलैकुम मोहम्मद भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो भाई, ये सबसे बड़ा कलेक्शन यही है जी भाई। तो इसके अंदर क्या वजन से क्या वजन तक के दुम्बे? इसके अंदर ना अराउंड 80 केजीज टू 105-110 केजीज एट प्रेजेंट वेट पे है जी। माशाल्लाह, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चाक के हैं। और ये आप छोटे ही लाए थे कि कैसा था भाई? छोटे ही थे, मतलब 5-6 महीने के थे। अच्छा, इसको कहते हैं अराउंड मोर देन अ ईयर हो गया मेरे पास जी। काफ़ी अच्छा इन लोग ने डेवलपमेंट दिया आपको और साइज में भी काफी बड़े हुए। जैसे दोनों दुम्बे देखेंगे अगर हम लोग, तो दोस्तों पहली जोड़ी देख रहे हैं हम लोग। एंड आई थिंक दिस इज सब, मतलब इतनी बड़ी टेल में आई थिंक मैं पहली बार देख रहा हूँ। काफ़ी बने हुए दुम्बे दोनों, काफ़ी अच्छी जोड़ी है। मोहम्मद भाई, क्या डिटेल्स पे है और क्या नाम है इनका? जी भाई, एक का नाम विनोद है और सेकंड विनोद का भाई है। अच्छा, विनोद और विनोद का भाई, लाइक जॉनी। ओके, तो विनोद कौन सा है जो शेरू भाई के हाथ में? भाई इसने बहुत ही, मतलब एक फुटबॉल की तरह दुम्बा है। क्या वजन पे होगा एक अंदाजा? अंदाजन 100 किलो प्लस होगा। और कितने दांत पे? 6 दांत पे। माशाल्लाह, छह दांत पे। दोनों सगे भाई हैं जी, पर दिखते ही नहीं है, दिखते नहीं है लेकिन। और जो टेल की साइज बोलूंगा तो विनोद के भाई की भी बहुत बड़ी टेल है। ये विनोद की भाई की जो टेल है ना, प्योर जैसे तुर्की में दुम्बे पाए जाते हैं ना, वहाँ पर गल्फ में जो बड़ी बड़ी चाक के होते हैं, सेम वो टेल है उसकी। ये टेल में फुल पिंक है। ये टेल में जल्दी मिलते नहीं क्या भाई? ये टेल में तो ना प्रॉपर ये कट आ गया, फिर ये पूरा शेप आ गया, ये काफ़ी, मतलब ये सब चीज़ ये रेयर है, ला नहीं सकते, ऑटोमेटिक आती है, नेचुरली आती है, तो काफ़ी कम दिखने मिलती है पूरी चीज़। मज़ा आ गया भाई। और विनोद की भी देखेंगे अगर आप, तो उठी हुई अच्छी, उठी हुई प्योर में है माशाल्लाह, फुल गुलाबी में। सो विनोद और विनोद का भाई दोनों फोर्ट से ले देना है ना जी भाई। माशाल्लाह, थोड़ा क्रॉस में भी दिखाइए इनका, देखें फुल वाइट में विनोद। लंबी फ्रेम के एकदम लेंथ में लगे दोनों दुम्बे, मज़ा आ गया। दोनों लगते नहीं है सगे भाई, पर सगे भाई हैं। वो फुल वाइट में है, ये हल्का ब्राउन शेड में मगा चीनी टाइप जो जी कलर आता है, थॉट्स में नहीं, लाइन में सही है। मज़ा आ गया, बहुत नायाब। ठीक है, और दूसरे दोनों ले लो। तो दोस्तों एक और बहुत बड़ी जोड़ी देख रहे हैं भाई। मोहन भाई, ये सबसे हाइट में ज़्यादा इन लोग हैं ना जी भाई? वाह, जो छोटे छोटे मालू आते हैं ना 34-35 इंच के, वो दुम्बे हुए वो था इसके, वो हाइट में। चाक भी देखे दोनों की माशाल्लाह। ये जॉनी का बाप है ना ये वाला जी, वो ब्रीड लाइन है जी। सही है। वजन क्या होगा इनका अंदाजा? 100 किलो है अंदाजा। ठीक है, थोड़ा चौड़ा करके दिखाओ, लेंथ दिखाओ इसकी। लेंथ में भी बहुत माशाल्लाह, दोनों अच्छे लेंथ, लंबी है, फुल लेंथ के अंदर है दोनों। साइज वगैरह भी अच्छी है, कान वगैरह और बहुत है। मज़ा आ गया, क्या जोड़ी है, वाह सही है। तो ये पूरा कलेक्शन है, इसमें और भी दुम्बे जो हम आपको दिखाएंगे, दूसरे ले रहा हूँ। सो दोस्तों एक और अच्छी जोड़ी देख रहे हैं हम लोग। एंड ये दुम्बे भी अपने पास 5-6 महीने के आए थे भाई, ये थोड़े मतलब 2 दांत पे आए थे मेरे पास। अच्छा, अभी क्या डिटेल पे? अभी ये जो है ना शेरू के जो हाथ में है ना, तकरीबन 4 दांत पे, ये 6 दांत निकाल रहा है और ये तकरीबन अराउंड 90 केजीज वेट है इसका। अच्छा, ये प्योर खड़ी चक्की में अपने पास, मतलब प्योर क्वालिटी के दुम्बे, इसमें कोई भी नागौर में क्रॉस नहीं मिलेगा। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, नागौर और तुर्की को क्रॉस ब्रिड करा के वो लोग को ओरिजिनल तुर्की बोल के सेल करते हैं, पर हमारे पास सिर्फ ओरिजिनल ही मिलेंगे जी। और सब मोस्टली खड़ी चक में, चीरापट में, चीरापट में या बलून में, पर ओरिजिनल ही मिलेंगे जी। सही। इनका मैक्सिमम वेट कितना चला जाता है भाई? भाई दुम्बे तो ऐसा खा खा के अराउंड 130 केजीज भी जाते हैं, 140 केजीज भी जाते हैं, तो 8 दांत के दुम्बे होते हैं ऐसा, मतलब वो 8 दांत तक ले लेते हैं जी जी। अभी अदन में भी कभी कभी 80-90 हो जाते हैं ना। हाँ, आपको तो हमने दिखाया अदन में भी 85 केजीज का भी दिखाया, वो सब मतलब सबकी खुराक पे है ऐसा है। सही, जैसे ये दुम्बे भी अराउंड 95 केजीज, अभी 4 दांत 6 दांत निकाल रहे हैं।
अभी इंशाल्लाह ये लोग को भी रोक देंगे तो ये भी 140 केजी चले जाएगी। तो अगर ये कोई खरीदता है तो पलाई यहाँ पर रख सकते हैं, बकरा ईद तक बिल्कुल फ्री रहेगी माशाल्लाह। बकरा ईद तक पलाई फ्री रहेगी और उसको आफ्टर बकरा ईद भी रखना है तो हम उसके लिए भी कुछ कर सकते हैं। सही है, कंसिडरेबल अमाउंट ही रख देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये दोनों भी देख लिए, अभी हम आपको जो बचे हुए दुम्बे वो दिखा देते हैं। तो दोस्तों एक और अच्छी जोड़ी देख रहे हैं हम लोग माशाल्लाह, अगेन चाक वाक कलेक्शन देखें आप, ऊपर से नीचे तक दुम्बों को पूरा चेक करें। बेहतर ये है कि आप खुद आएँ फार्म पे और विज़िट करें इंशाल्लाह। सो मोहम्मद भाई क्या डिटेल्स पे दोनों? भाई ये जो लेफ्ट में है ना ये चार दांत पे है जी, अराउंड 85-90 केजी वेट है इसका, वो इसके अंदर भी कोई प्योर कट दिया हुआ है जी, और फुल पिंक स्किन में है, काफ़ी अभी नहाई नहीं है एक मौसम की वजह से, बाकी तो है एकदम टॉप क्वालिटी में। एंड ये वाला जो दुम्बा आप देख रहे हैं ये 6 दांत पे है, अराउंड 95 केजी इस वेट है, और इसकी भी जो है ना ये प्रॉपर जो कट आया है ना ये वी शेप में, ये अपने आप नेचुरल है। हाँ, नीचे से जो वी आता है ये काफ़ी रेयर आपको देखने मिलेगा जी, और ये लोग जो साइड से चक्की का जो पूरा शेप आता है ये काफ़ी मतलब यूनिक है, बहुत प्यारे माशाल्लाह। और बाल वगैरह भी कट हुए शायद इसके? रिसेंटली कट हुए। सही है, मैं उसे वो ब्लैक का देखे इसके बाल बाकी थे जी, उसके बाकी होके कट गया था, उसके भी इंशाल्लाह भी एक आध दिन उसके भी कट जाएगा। सही है, तो अभी एक और दुम्बा है वो हम आपको दिखा देते हैं, उसको पकड़ो। सो मोहम्मद भाई इसकी क्या डिटेल्स है? आई थिंक ये सबसे पुराना दुम्बा है अपने पास जी भाई, इसको भी अराउंड 1 ईयर हो गया है जी, ये कितना 8 दांत पे है, तकरीबन 85-90 के जी वेट है जी, 90 के जी से दुम्बा है पर इसकी चक्की अराउंड 25-30 के जी इसकी है। अच्छा, सिर्फ चक्की? सिर्फ चक्की, इसकी पूरी चक्की जो है ना जी नॉर्मली उठती है दुम्बो की ऐसा, हाँ, पर इसकी ना पूरी नीचे जाती है ये। अच्छा, लाइक नागौर में जो होती है ना, हाँ, पर इसकी चक्की नीचे गई है बिकॉज उसकी चक्की काफी एक्सेस वेट में थी, और इसकी उम्र के भी हिसाब से गई होगी, उम्र के हिसाब से भी गई है जी भाई। इसकी आप चक्की देखेंगे ना तो ये भी खड़ी चक्की में ही ये पूरा फ्रेश वो ही है, कहते हैं एकदम ढीली चमड़ी का वगैरह है ये जी, तो कुर्बानी के लिए ये अभी तो जा सकता है। इसको पालने के लिए हम प्रेफर नहीं करेंगे, पर जिसको कुर्बानी करना है ना उसके लिए एकदम एंटीक चीज़ रहेगी, नॉर्मल दुम्बे भी ऐसे मिलते नहीं है। सही है, छोड़ दीजिए शुरू, चक्की वो गिर गई है जी, पर कहते हैं उसमें अपना भी यूनिकनेस पैदा हो गई उसमें। सही बोला आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों ये थे पूरे दुम्बे, पूरा कलेक्शन आपने देख लिया एक एक करके। दोस्तों हम लोग तो बोलेंगे कि आप दुम्बा लेके यहाँ पलाई पे रखें, बकरा ईद तक आपको फ्री पलाई मिलेगी, उसके बाद भी आप रख सकते हैं यहाँ पर। सो दोस्तों हमने मीडियम से लेकर बड़े से लेकर छोटे सब दुम्बे आपको दिखाए, होपफुली आपको मज़ा आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड आप लोग अपना ख्याल रखें, मोहम्मद भाई का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ ताकि आप इनसे कॉन्टेक्ट कर पाएँ। अल्लाह हाफिज़।